वेलकम वेलकम और बैक टू माय एक चारकोल फेस मास्क ट्राई करने वाली हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना उस एक्सपीरियंस को मैं रिकॉर्ड करूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ सो मैंने काफी सारे वीडियोस और काफी सारे लोगों के एक्सपीरियंस देखे थे चाकोल फेस मास्क के साथ जो बेसिकली चाइनीज फ़ेस मास्क होते थे पीला फेस मास्क और मैंने देखा था कि उसमें लोगों के एक्सपीरियंसेस काफ़ी बुरे थे स्पेशली उसे निकालने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था तो मैं हमेशा डरती थी उसे यूज़ करने के लिए बट रिसेंटली uh, मैं किसी वेबसाइट के थ्रू ब्राउज कर रही थी और मैंने देखा कि वी का भी एक चाकोल फेस मास्क है तो बिकॉज VLCC का था तो मैं उसे ट्राई कर सकती थी मैं कोई चाइनीज़ फ़ेस मास्क नहीं यूज़ करना चाहती थी क्योंकि लोगों के इसके यूज़ करने के एक्सपीरियंसेस काफ़ी बुरे थे VLCC एक ऐसा ब्रांड है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई सो यस आज के इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहा VLCC के चारकोल पील ऑफ फेस मास्क को यूज़ करने का यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इस प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ सो बेसिकली ये एक सेवन एक्स अल्ट्रा वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग पी लो फेस मास्क है बेसिकली व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इसलिए भी कहा जा सकता है बिकॉज पील ऑफ फेस मास्क जब हम यूज करते हैं तो हमारे फेस से थोड़े बहुत अनवांटेड हेस और जो टैनिंग है वो चली जाती है साथ ही साथ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी रिमूव होते हैं तो एक इंस्टेंट ग्लोइंग इफेक्ट तो ज़रूर मिलता है कोई भी फेस मास्क या पीलो फेस मास्क यूज़ करने से तो यस हम कह सकते हैं कि ब्राइटनिंग और वाइटनिंग ये मास्क हो सकता है बट लेट्स सी दैट रिजल्ट्स क्या होते हैं साथ ही साथ इसके इंग्रेडिएंट्स और बेनिफिट्स भी इस छोटे से ट्यूब में मैंशनड है मैंने ये छोटा सा ट्यूब सिर्फ इसलिए लिया था बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ट्राई करना चाहती थी कि ये रिज़ल्ट कैसा होता है और दर्द कितना होता है इसे पील करने के टाइम पे तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें है वो है ऑफ कोर्स एक्टिवेटेड चाकोल सो इट कंटेन हंड्रेड परसेंट प्योर एक्टिवेटेड चाकोल फॉर अब्जॉर्बिंग स्किन टॉक्सिंस क्लेंजिंग पोर्स रिमूविंग ब्लैक हेड्स एंड डर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पील ऑफ फेस मास्क जब हम यूज करते हैं तो वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को हटाने में हेल्प करता है साथ ही साथ ऐसा अ एजेंट भी काम करता है एक्टिवेटेड uh, चारकोल के साथ इसमें है विटामिन ई एंड विटामिन सी सो वाइटामिन ई एंड वाइटामिन सी हेल्प करेगा स्किन को एक ग्लो देने में साथ ही साथ जो सन डैमेज होता है स्किन पे ये उसे भी रिपेयर करता है इसके अलावा इसमें है मलबरी एक्सट्रैक्ट सो मलबरी जो बेसिकली है वो जो हमारे फेस में डार्क स्पॉट्स होते हैं उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है और इसके साथ इसमें है रोज वाटर जो कि एक पीएच बैलेंसिंग एजेंट होता है और उसके अलावा इसमें है लेमन ऑयल एंड टर्मरिक ऑयल तो ये सारे गुड इंग्रेडिएंट्स हैं इस पीलो फेस मास्क में इस छोटे से ट्यूब का प्राइस फिफ्टी फाइव रुपीज़ है मैं ट्राई करूंगी कि अगर मुझे लिंक्स मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे आपके लिए डाल दूँ इनके साथ को चेक करना है तो आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं सो so चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहा मेरा पहला एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का तो जो चाकुल के कंटेंट्स हैं वो काफ़ी शाइनी है और साथ में अलग से चाकुल के पार्टिकल्स क्लियरली विजिबल हैं मैंने पहले अपने हाथों में थोड़ा सा लगाकर चेक कर लिया था कि पील करने पे कितना दर्द होता है या नहीं भी होता है वेल well, दर्द हुआ कि नहीं ये आपको आगे पता चल ही जाएगा हमें ये जो फेस मास्क है वो इस तरीके से लगाना होगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे शूट करने के टाइम पे ये काफ़ी क्लमजी लग रहा है और वैसे आप अगर इसे नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा मेक श्योर sure कि आप एक थिक लेयर लगाएं अगर आप पतली लेयर लगाते हैं तो निकालने के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है बिकॉज मैंने पहले भी Uh, कुछ ऑफ फेस मास्क यूज़ किए हैं जिसमें मैंने वो एक्सपीरियंस किया है तो आप मेक श्योर sure करें कि आप एक मोटी लेयर लगाएँ ना कि पतली सी लेयर लगाएं जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी वजह से ये काफ़ी कूलिंग सा इफ़ेक्ट मुझ मेरे स्किन पे फील हो रहा है एंड इट्स डन सो इसे ड्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर सो लेट्स वेट और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में कोई भी पील लो फेस मास्क निकालने से पहले मेक श्योर sure कि वो अच्छी तरीके से ड्राई हो अगर वो वेट ही रह जाएगा तो जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा और आपको निकालने में भी काफ़ी दिक्कत होगी बिकॉज पील लॉ फेस मास्क जो होता है वो पानी से भी इतने अच्छे से नहीं धुलता है वैसे तो इसे टॉप से बॉटम जैसे हमने लगाया था वैसे ही निकालना है लेकिन मैं इसे अपोज़िट डायरेक्शन से पील कर रही हूँ और जो इसके डायरेक्शन में भी यही लिखा था कि आपको इसे टॉप से बॉटम निकालना है वैसे आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप निकाल सकते हैं मेरा ये मानना है कि बॉटम टू टॉप निकालने से जो फेस में जो थोड़े बहुत हेयर्स भी हैं वो भी निकल जाते हैं जिससे भी एक इफ़ेक्ट नज़र आता है और जब तक पील ऑफ फेस मास्क को निकालने के टाइम पे थोड़ा सा दर्द ना हो तो वो फील ही नहीं आती है तो मैं इसे अपोज़िट डायरेक्शन में ही निकालूंगी आप कैसे भी निकाल सकते हैं फेस में थोड़े हैस तो हैं ही तो दर्द है बट उतना भी ज़्यादा नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था आई डोंट नो दैट कैमरा में कोई डिफरेंस विजिबल होगा या नहीं बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है फेस में जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स थे वो अब नहीं है और जो थोड़ी बहुत टैनिंग थी वो भी नहीं है जैसा कि मैंने आपको बोला कि अपोजिट डायरेक्शन से निकालने से थोड़े बहुत जो हेर्स होते हैं जो बहुत सॉफ्ट हेस होते हैं वो निकल जाते हैं उससे भी ये डिफरेंस नज़र आ सकता है मुझे मेरी स्किन सॉफ्ट सी फील हो रही है बिकॉज़ अब मेरे फेस पे वाइट हेड्स तो बिल्कुल भी नहीं बचे हैं और थोड़े बहुत हेयर्स के पार्टिकल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली विजिबल है सो यस गाइज़ ये था मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इस पील ऑफ फ़ेस मास्क को यूज़ करने का जो कि काफ़ी अच्छा और सेटिस्फाइंग रहा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें फेस मास्क पील करने के वक्त लोगों की जान ही निकल जाती थी वो इतना ज़्यादा यू नो टफ होता है निकालना या काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड यस मैं डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को आगे यूज़ करूंगी स्क्रबिंग एंड फेस मास्क यूज़ करने के बाद का मेरा कौन सा स्टेप होता है स्किन केयर रूटीन में वो आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक like जरूर करें और अगर आपकी कोई और वीडियो डिमांड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं सो so यस yes, आज के इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन यू टेक केयर बाय